हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान के साथ टाटा नगर स्टेशन से स्टील में निकल गए हैं सुबह सुबह, एंड हम लोग जाने वाले हैं हावड़ा। सो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, ये देखने के लिए और ये जानने के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल दी एंड। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, हम लोग अभी हावड़ा स्टेशन पहुंच गए हैं और एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं। सो, हम लोग का प्लान ये था कि हम लोग हावड़ा स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी लेके सियालदा जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग का हावड़ा पहुंचते पहुंचते अराउंड 11:15 हो गया था, लेकिन इसका एक्चुअल टाइम वाज अराउंड 10:45, सो थोड़ा सा लेट हो गया। एंड सियालदा स्टेशन पहुँच के हम लोग सोदपुर का टिकट लिए एंड लोकल ट्रेन से हम लोग सोदपुर के तरफ निकल पड़े। सियालदा स्टेशन एंड लोकल ट्रेन बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड रहता है, सो हम प्रेफर किए वीडियो ना रिकॉर्ड करें ये टाइम पे। सो मेरे को सियालदा से सोदपुर के लिए 5 रुपीज़ पड़ा, और तो फर्स्ट लोकल ट्रेन सोदपुर जाने के लिए मेरे को शांतिपुर लोकल ट्रेन मिला, तो उसी पर चढ़ के हम लोग सोदपुर पहुँच गए। सोदपुर में मेरी एक बुआ रहती है, तो हम वहाँ पे रहे और शाम को हम लोग फिर सोदपुर मेन मार्केट के लिए निकले। आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स है, और ये सब फ्रेश फ्लावर्स हावड़ा के तरफ एक फ्लावर मार्केट है, वहाँ से लेकर आते हैं लोग और यहाँ पे बेचते हैं। सो अब हम लोग बीटी रोड सोदपुर की तरफ चले, और वहाँ जाने के लिए हम लोग को एक पतला सा गली क्रॉस करना पड़ता है, जहाँ पे आपको वैरायटी शॉप्स देखने मिलेंगे, क्लोथ से लेके फुटवेयर से लेके बेल्ट्स, फ़ोन, एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलेगा। और अब हम लोग मलाई चाय ट्राई कर रहे हैं फ्रॉम भगवती। ये बेसिकली चाय पे एक लेयर मलाई का डालता है और बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम हम मलाई चाय ट्राई किया और मेरे को बहुत अच्छा लगा जेन्युइनली। सो आप भी कभी यहाँ जाएंगे तो प्लीज़ मलाई ट्राई ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसा टेस्ट लगा आपको। कोलकाता आए और हम लोग फ़िश का कोई डिश ट्राई नहीं करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए अब हम लोग चलते चलते ये वैन के तरफ आए और यहाँ पे मेरे को एक मेन्यू मिला जहाँ पे आपको फ़िश का वैरायटी डिशेस मिलेगा, एंड आपके सामने उन लोग बना के आपको गरम गरम सर्व करते हैं, और द प्राइस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी जेन्युइन। मतलब आपको अगर फ़िश को भी राजी खाना है एट अ रेट ऑफ 50 to 70 rupees आपको मिल जाएगा, एंड बहुत ही यम टेस्ट करता है। सो आप अगर आओ तो प्लीज़ ये यहाँ पे ज़रूर आना और टेस्ट ज़रूर करना। सबसे अच्छा चीज़ मुझे इस शॉप के बारे में ये लगा कि ये शॉप मम्मी और बेटी मिलके चलाती है। ये सब ट्राई करते करते कब 9 बज गया पता ही नहीं चला। हम लोग को अपना दिन क्लोज करना था विद द फेमस दादा बोधी बिरयानी, द रीज़न हम लोग कोलकाता आए हैं, और इसका बेसिकली मेन ब्रांच बैरकपुर का है, लेकिन हम लोग वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन सोचे वाई नॉट ट्राई फ्रॉम द सोदपुर ब्रांच, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए। और हम लोग रेस्टोरेंट में तो खा नहीं पाए, लेकिन हम लोग सोचे कि पैक करके घर ले आते हैं और सब साथ मिलके खाते हैं। सो हम लोग पार्सल करके लेके आए हैं एक प्लेट मटन बिरयानी और एक प्लेट स्पेशल चिकन बिरयानी, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और हाँ, जो भी रिव्यूज़ हम लोग देखे और सुने थे इस शॉप के बारे में और इसका बिरयानी के बारे में, ये एकदम ऑन द मार्क था। सो अगर आप लोग कभी भी कोलकाता जाना तो प्लीज़ दादा बोधी बिरयानी का रेस्टोरेंट का बिरयानी ट्राई करना मत भूलना, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको। और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।